नमस्कार दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी SCA की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। भूगोल की अगली कक्षा के साथ मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपके आने वाले कमिंग एग्जाम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव लेवल के एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, उन सारे टॉपिक को वन बाई वन, पार्ट बाय पार्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो आप सभी लोग ये वीडियो जरूर देखें। आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, हाल फिलहाल में वनडे लेवल का कोई एग्जाम है, या UPSC देने वाले हैं, UPPCS देने वाले हैं, MPPCS देने वाले हैं, BPCS देने वाले हैं, राजस्थान या उत्तराखंड PCS देने वाले हैं, या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का कोई भी अदर एग्जाम देने वाले हैं, जहां पर सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज का रोल है, उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो ये सारा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो भूगोल की इस अगली कक्षा में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है और शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग वीडियो पूरा देखिएगा, जरूरी है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी लोगों के इस नए सेक्शन, नए ज्योग्राफी के टॉपिक को। इन सबका संबंध आपके कराकोरम श्रेणी से है, तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बालतोरो, चोगोलुंगमा, खोरदोजीन और ससाइनी। भारत के प्रमुख हिमनद देख लेते हैं, तो आप लद्दाख के रीजन में आएंगे तो बालतोरो, बियाफो, हिस्पर और सियाचिन, द्रांग द्रुंग यहीं पर। इस उत्तराखंड के रीजन में आइए तो मिलाम, पिंडारी, कफनी, यमुनोत्री, गंगोत्री, सतोपत, ये सारे उत्तराखंड के रीजन में। सिक्किम में जेमू हिमनद प्रमुख रूप से हैं। सोर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सियाचिन रामचंद्र तिवारी जी को, अगर बात किया जाए तो ये माना कि सबसे ज्यादा ग्लेशियर बड़ा या ससाइनी, ये विवाद का विषय रहा है, तो सामान्य रूप में हम सियाचिन को ही सबसे बड़ा ग्लेशियर मान के चलते हैं और ससाइनी 11 मीटर लंबा है, तो ये विवाद के बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उच्च इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों के निर्णय आपके सामने हैं, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सामान्य रूप में सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है, ससाइनी छोटा है, विवादित विषय रहा है। एक प्रश्न आया था UPPCS में, उसी को लेकर के विवाद हुआ था, तो ये विवाद का डिटेल्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हैं कि आप किस लेवल पर आंसर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खास करके अगर बात किया जाए तो सियाचिन को ही बड़ा माना था। उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद की अगर बात किया जाए तो चौराबाड़ी हिमनद, और स्थिति रुद्रप्रयाग जिला केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में, चौराबाड़ी ग्लेशियर हो गया। मिलाम हिमनद की बात करें तो कुमायूं प्रक्षेत्र में स्थित प्रमुख हिमनद हो गया। गंगोत्री हिमनद की बात करें तो लगभग लंबाई 26 किलोमीटर इसकी मानी जाती है, जहां से गंगा नदी आदि निकलती है, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में चौराबाड़ी, मिलाम और गंगोत्री हिमनद है। भारत के प्रमुख पठारों पर एक नजर डालते हैं तो दक्कन ट्रैप मुख्य भाग है। बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ। मिट्टी मुख्यतः काली मृदा। विस्तार की अगर बात करें तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के उत्तर पूर्व में नागपुर तक। निर्माण इसका क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। त्रिभुजाकार है, तो दक्कन के पठार की स्थिति भी आप ध्यान रखेंगे। भारत के प्रमुख पठार देख लेते हैं, पठार में देखिए तो ये हो गया बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, ये बुंदेलखंड का पठार हो गया, ये बघेलखंड का पठार हो गया, ये मालवा का पठार हो गया, ये तीनों जुड़े हुए हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा का पठार। छोटा नागपुर पठार ये हो गया, ठीक है।
और ये आपका मेघालय का पठार हो गया, जिसे शिलांग पठार भी कहते हैं, ये महाराष्ट्र का पठार और कर्नाटका का पठार हो गया, तेलंगाना पठार का रीजन ये हो गया, दंडकारण्य का क्षेत्र ये हो गया। तो प्रमुख पठारों में अगर देखेंगे तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा पठार, ये इधर बात करें तो ये आपका छोटा नागपुर पठार का रीजन, मेघालय पठार हो गया, इधर दंडकारण्य पठार, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार और महाराष्ट्र पठार। ठीक है, तो ये मैप में एक बार नजर डाल सकते हैं आप इसे प्रभारत के प्रमुख पठारों पर, लोकेशन जानने के लिए। कभी लोकेशन पर यूपीएससी में प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। मेघालय पठार की बात किया जाए तो इसे मैंने अभी बताया, कार्बी अंगलोंग पठार या शिलांग पठार कहा जाता है, तथा उत्तर कचारी पहाड़ी आदि के नाम से जाना जाता है। यह प्रमुख रूप से प्रायद्वीपी पठार का ही भाग है, जो भ्रंशन के कारण मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपी भाग से अलग हुआ था। मालदा गैप की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है। मेघालय के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करने वाली संरचना है। मेघालय के पठार में ही गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, और यहीं पर खासी पहाड़ी पर ही मासिनराम है, जहां पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है विश्व की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें तो दंडकारण्य क्षेत्र भारत के मध्यवर्ती भाग में है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य मालवा का पठार है। क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार दक्कन ट्रैप समय निर्माण हुआ। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण हुआ सेनेजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार आकृति है, एक अग्र गंभीर भाग माना जाता है इसे। एक बार सभी पठारों की स्थिति देखते हैं। मालवा पठार अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। इसके अधिकतर भागों का नाम ये मध्य उच्च भूमि के रूप में है। 530 किलोमीटर की लंबाई, 390 किलोमीटर की चौड़ाई। सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा अरावली पर्वत द्वारा, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी द्वारा और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित होती है। विशेषता प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है यह। दंडकारण्य पठार की बात करें तो विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र तक है। दंडकारण्य पठार क्षेत्रफल 92,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास माना जाता है। छोटा नागपुर पठार की बात करें तो मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि की अवस्थिति है। दामोदर नदी द्वारा प्रवाहित है। रांची का पठार, पट पठार, हजारीबाग पठार, बाह पठार, कोडरमा पठार, ये सब इसी के भाग है छोटा नागपुर पठार के। प्रमुख रूप से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे रांची का पठार, हजारीबाग पठार, कोडरमा पठार, ये सब छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है, पट पठार आदि। ठीक है, विशेष रूप से तीव्र स्कार्पो वाले ढाल हैं। भारत का रूर क्षेत्र इसे भी कहा जाता है, क्योंकि खनिज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद भारत की तटरेखा पर एक नजर डाला जाए तो भारतीय तटरेखा की विशेषताओं पर बात करें तो तटरेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर मानी जाती है, जिसमें मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2,094 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है। तटीय सीमा की बात करें तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। सर्वाधिक छोटी तटरेखा पुदुचेरी यानी राज्यों में गोवा की है। विस्तार 9 राज्यों, 4 केंद्रशासित प्रदेशों तक इसका विस्तार हो रखा है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये पूरा विस्तार है इसका, इसका तटीय सीमा का, तो ध्यान रखेंगे आप। 4 केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गए आपके तटीय सीमा पर। भारत के तटीय राज्यों पर एक नजर डाल लीजिए मैप में, तो गुजरात यहाँ देखेंगे तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, चलते जाइए केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। इस प्रकार से ये पूरा तटीय सीमा फैली हुई है। किनारे पर स्थित अगर शहरों पर देखें या आपके पत्तन पर देखें तो जंजीरा, कालागुंड, टपुलिन, उदुप्पी, कन्याकुमारी, सुलाबुसी,
कोरिन, ओरोविले, मरीना बीच यहीं चेन्नई के पास है, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापत्तनम और गोपालपुर पुलिन, पारादीप, हल्दिया, दीघा बीच यहीं पे याद रखिएगा, और कोलकाता। इस प्रकार से ये आपके तटीय राज्य और उनके प्रमुख क्षेत्र हो गए। आधा तट से समुद्र की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं तो सबसे पहले आधार रेखा होती है। आधार रेखा को हम अंतःस्थल सागर से की ओर निकले भागों की मिलने वाली सीधे रेखा के रूप में जानते हैं। क्षेत्रीय सागर किसी भी देश प्रादेशिक जल का क्षेत्र क्षेत्रीय सागर कहलाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो किसी भी देश के आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का जल का क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में जाना जाता है। तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। सबसे शुरुआत में जैसे समुद्र की ओर जाएंगे आधार रेखा आपको मिलेगी, आधार रेखा के बाद क्षेत्रीय सागर की रेखा मिलेगी, फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र मिलेगा। तो याद रखिएगा इस हिसाब से ये आगे की ओर बढ़ता है। पूरा किसी भी देश का आपका सामान्य रूप में अधिकार तो अनन्य आर्थिक तक क्षेत्र होता है, लेकिन क्षेत्रीय सागर तक उसे संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो। ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें आप निश्चित रूप से जरूर ध्यान रखिएगा। भारत के भूगोल के अगले सेक्शन की शुरुआत करते हैं कुछ विविध बातों पर, तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला तथ्य है भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त क्षेत्र क्या कहलाता है? समीपस्थ मंडल में स्थित क्षेत्र कहलाता है जो आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी पर है, यानी 24 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस तक यह कवर करता है, तो ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय सागर की धुरी आधार रेखा से सागर की ओर कितना मापी जाती है? तो क्षेत्रीय सागर की जो दूरी है वह आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल यानी समुद्री मील तक मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन भारतीय इतिहास में हिंद महासागर का सूचक का नाम क्या था? तो रत्नाकर कहा जाता था हिंद महासागर को। आप सभी लोग जानते भी होंगे अगर हिंदी पढ़े होंगे कि महासागर या सागर या समुद्र का पर्यायवाची भी रत्नाकर होता है, तो हिंद महासागर को रत्नाकर नाम दिया गया था। तटीय अपरदन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो लहरों की भूमिका होती है। भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से मापा जाता है? तो याद रखेंगे चेन्नई तट से मापा जाता है। कहाँ से मापा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान रखेंगे चेन्नई तट से मापा जाता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप जिस झील का निर्माण हुआ वह कौन सा है? तो गांधी सरोवर झील है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को क्या कहा जाता है? तो उसे आंतरिक जल कहा जाता है, यानी स्थलीय जो स्थलखंड है किनारे का और आधार रेखा है, आधार रेखा और स्थलखंड के बीच जो पानी है जल है उसे आंतरिक जल की संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला टॉपिक आप भारत के तट, भारत के तटों पर विचार किया जाए तो भारत के तटीय मैदान का भू आकृति आधार पर तीन, अगर बात करें तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है गुजरात या काठियावाड़ का तटीय मैदान, दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान और तीसरा है पूर्वी तटीय मैदान। तो याद रखेंगे तीन पार्ट हो गए, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और गुजरात या काठियावाड़ का तटीय मैदान। तो तीन भागों में भारत के तटीय मैदान का भू आकृतिक वर्गीकरण किया जाता है।
गुजरात या काठियावाड़ के रीजन पर अगर विचार किया जाए तो गुजरात एवं दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव तटीय भागों में विस्तृत है। यानी काठियावाड़ तट की अगर बात किया जाए तो गुजरात एवं दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव का तटीय भागों का क्षेत्र काठियावाड़ तटीय मैदान कहलाता है या गुजरात का तटीय मैदान कहलाता है। इसके अलावा अगर भारत के पश्चिमी तट पर विचार किया जाए तो पश्चिमी तट पर आने पर पश्चिमी घाट और अरब सागर इसमें शामिल है। नया अरब सागर का रीजन हो गया पश्चिम में और यहीं पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला हो गई, जिसे हम कगार भू क्षेत्र भी कहते हैं, भंसोत्स भी कहते हैं। इन दोनों के मध्य के बीच की स्थिति एक संकीर्ण तटीय मैदान है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान बहुत सकरा है, कंजेस्टेड है, क्योंकि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के मध्य में एकदम पतली सी सकरी पट्टी जाती है, तो बहुत ही कंजेस्टेड रीजन है, सकरा मैदान है। विभाजन की बात करते हैं तो तीन भागों में विभाजित करते हैं इसे। उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है, यानी अगर बात करें इस रीजन को तो ऐसे अगर ये फैला हुआ तो ये कोंकण तट हो गया। फिर इसके बाद कर्नाटक तट हो गया और उसके बाद मालाबार तट हो गया। तो याद रखेंगे कोंकण तट के बाद कर्नाटक तट और फिर मालाबार तट, याद रखिएगा। तो कोंकण तट, फिर कर्नाटक तट जिसे कनारा तट कहते हैं, फिर मालाबार तट। अब देख लेते हैं तो मुंबई से गोवा तक के रीजन को हम कोंकण तट कहते हैं। मुंबई से लेकर के गोवा तक के भाग को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गोवा से मंगलुरु तक का भाग कनारी तट या कर्नाटक तट के नाम से जाना जाता है। कहां से कहां तक का? गोवा से मंगलुरु तक का। इसके बाद अगर बात किया जाए दक्षिणी भाग की, अगर बात करें तो मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो भाग है उसे मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक के भाग को। तो यह भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो तीन भाग हुए, कोंकण तट, कर्नाटक तट या कनारा तट और मालाबार तट। मुंबई से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से मंगलुरु तक कनारा या कर्नाटक तट और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। यानी मालाबार तट ज्यादातर केरल के रीजन के पास आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। पूर्वी भाग की बात करते हैं। पूर्वी तट के निर्माण की प्रक्रिया पर अगर ध्यान दें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन नदियों का डेल्टा क्षेत्र है। इन्हीं से निर्मित उपजाऊ मैदान है, काफी चौड़ा है। उत्तरी और जिसे दो भागों में हम बांटेंगे, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट की बात करें तो महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदानी भाग को ध्यान रखेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कथन कारण पर भी और स्टेटमेंट पर भी। तो महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु से लेकर के तमिलनाडु के केप कमोरिन यानी कन्याकुमारी तक फैले हुए भाग को हम कोरोमंडल कहते हैं। यानी आंध्र प्रदेश के रीजन से जब शुरू करेंगे, एक बिंदु फाल्स डीबी बिंदु से लेकर के आपके कन्याकुमारी तक, तो ये कोरोमंडल तट हो जाएगा। तो पूर्वी भाग या पूर्वी तट काफी चौड़ा है पश्चिमी घाट की तुलना में, क्योंकि नदियों के डेल्टा के द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह पर नजर डालते हैं। तो प्रमुख बंदरगाहों में आपका मुंबई बंदरगाह हो गया, महाराष्ट्र में है, कांडला बंदरगाह गुजरात में, मुरमू गोवा आपके गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में, जंजीरा बंदरगाह महाराष्ट्र में, उडुपी कर्नाटक में है, कोचीन केरल में है और न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। फिर से ध्यान से देखिए, मुंबई, कांडला, मरमू गोवा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जंजीरा, उडुपी कर्नाटक में है, जंजीरा महाराष्ट्र में, कोचीन केरल में जिसे कोच्ची पहले कहा जाता था, न्यू मंगलोर कर्नाटक में। तो ये प्रमुख पश्चिमी तट के बंदरगाह जरूर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग।
पूर्वी भाग के या पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों पर नजर डाल लेते हैं। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, एन्नोर और न्यू तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। तो एन्नोर और न्यू तूतीकोरिन तमिलनाडु का भाग है, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। द्वीप समूह की बात कर लेते हैं या बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की बात करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा द्वीप समूह, महत्वपूर्ण द्वीप समूह भारत का है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहले अंडमान द्वीप समूह की बात करें तो सबसे बड़ी चोटी है इसकी, सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, जो 732 मीटर है, 732 मीटर है अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी। हालांकि ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ही सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 550 द्वीपों की संख्या मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि तृतीयक पर्वत श्रेणी है, जो अराकान योमा श्रेणी का ही समुद्री विस्तार है, दक्षिणी विस्तार है। विशेष रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और से निर्मित सैलें बनी हुई हैं। पैरेन द्वीप की अगर बात करें और स्थिति की बात करें तो, और इसकी अवस्थिति है पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप? बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत भी माना जाता है इसे। इसे विशेष रूप से दक्षिण एशिया में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत भी माना जाता है बैरन द्वीप को, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नारकोंडम की बात करें तो नारकोंडम को अंडमान सागर में ही स्थित है, जिसे प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। प्रक्षुब्ध है यानी पूरी तरीके से अभी शांत है। निकोबार द्वीप समूह में आइए तो निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या लगभग 22 मानी जाती है। माउंट थुलियर इसका जो है सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट थुलियर, तो निकोबार द्वीप समूह में ध्यान रखेंगे। और अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली जो रेखा है उसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो 10 डिग्री चैनल दोस्तों कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। वीडियो को आप सभी लोगों को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, और साथ में चैनल में से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन क्लिक जरूर करिए। विशेषता की बात करें तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का काम करता है, यानी दोनों के मध्य में स्थित है। और स्थिति पर विचार किया जाए तो आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के निकट है। ध्यान रखेंगे कि पुलिकट झील के निकट आंध्र प्रदेश है, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सॉरी, श्रीहरिकोटा द्वीप की बात करें तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील के निकट है। कहाँ है? पुलिकट झील के निकट है श्रीहरिकोटा द्वीप। इसके भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यहीं पर स्थित है श्रीहरिकोटा में। विशेषता के रूप में यह है कि पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से यह पृथक भी करता है, यह भी ध्यान रखेंगे कि पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करने का काम कौन सा द्वीप करता है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप करता है, जहां पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अन्य महत्वपूर्ण जल संधियां, स्ट्रेट चैनल पर एक नजर डाल लें तो 8 डिग्री चैनल पर बात करें तो यह हम मिनी कॉय को मालदीव से अलग करता है, यानी मिनी कॉय भारत का द्वीप है अगर बात किया जाए लक्षद्वीप का, और मालदीव एक देश है दक्षिण में स्थित, तो मालदीव को मिनी कॉय द्वीप से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो मिनी कॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनी कॉय द्वीप जो है भारत का ही द्वीप है और लक्षद्वीप का ही पार्ट है, लेकिन इसे ये भी कहा जा सकता है कि कावरत्ती को मिनी कॉय से अलग करता है, क्योंकि लक्षद्वीप की कैपिटल कावरत्ती उत्तर में है और मिनी कॉय दक्षिण में है 9 डिग्री चैनल।
10 डिग्री चैनल की बात करें तो विशेष रूप से यह लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ये आपस में द्वीप हो गए, एक तरफ कार निकोबार द्वीप हो गया, एक तरफ लघु अंडमान द्वीप हो गया, यानी लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। बट ये भी कहा जा सकता है कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। डंकन पैस की बात करा जाए तो यह भी लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच है, यानी लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है डंकन पैसेस। कोको चैनल पर विचार किया जाए तो कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार में स्थित है और उत्तरी अंडमान के मध्य है। यानी कोको चैनल की अगर बात किया जाए तो कोको चैनल आपका म्यांमार के कोको द्वीप और नॉर्थ अंडमान के बीच में स्थित है। पाक स्ट्रेट की बात करें तो तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, तो मन्नार की खाड़ी पाक स्ट्रेट का संबंध दक्षिण के रीजन से ही है, विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक विचार करते हैं तो विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बड़े रूप के रॉबर केकड़े, रॉबर क्रैक क्रैब की अगर बात किया जाए तो प्रसिद्ध है, इसके लिए प्रसिद्ध है बांडूर समुद्री जैव मंडली प्रारक्षित क्षेत्र। कौन सा? बांडूर समुद्री जैव मंडली प्रारक्षित क्षेत्र जो है वो रॉबर क्रैक के लिए काफी ज्यादा फेमस है, बृहदकाय रॉबर केकड़े के लिए प्रसिद्ध है। कोको द्वीप जो म्यांमार का है, उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है कोको चैनल, यानी नॉर्थ अंडमान और कोको द्वीप के मध्य में कोको चैनल है। यानी कुल मिलाकर के बात किया जाए तो अंडमान निकोबार और कोको द्वीप के बीच में आपका कोको चैनल है। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट इंडोनेशियाई द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार के बीच सबसे निकट एशियाई द्वीप है सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप जो है ग्रेट निकोबार यानी भारत के सबसे नजदीक सीमा रेखा का निर्धारण करता है, यानी नजदीक है, ये ध्यान रखेंगे। अरब सागर के द्वीप समूह देख लेते हैं तो और स्थिति पर विचार किया जाए तो केरल के मालाबार तट के समीप द्वीप समूह की अगर बात किया जाए लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं हम तो लक्षद्वीप है तो केरल के मालाबार तट के समीप है। पहले इसे लकाद्वीप कहा जाता था, फिर मिनिकॉय कहा जाने लगा तथा मीन द्वीप, ये सारी चीजें हैं केरल के मालाबार तट के समीप। तब लक्षद्वीप 1973 से इसे नाम दिया गया है। विस्तार में अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्वीपों का समूह है, ध्यान रखिएगा। इसका क्षेत्रफल जरूर याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा है कि 32 वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल है। द्वीपों की संख्या 36 है, 36 द्वीप 32 स्क्वायर किलोमीटर रीजन में फैला हुआ है। 9 डिग्री चैनल अभी पीछे भी बात हुई थी कि मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है और मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, कावरत्ती द्वीप पर स्थित है। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को कावरत्ती से भी अलग करने का काम करता है, यह भी कहा जा सकता है। एंड्रॉट द्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एंड्रॉट, ये भी ध्यान रखेंगे, एंड्रॉट द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, महत्वपूर्ण द्वीप है, बड़ा है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। अब महाराष्ट्र में स्थित द्वीप पर आए तो एलिफेंटा और सॉलसेट द्वीप दो बड़े नाम है, एलिफेंटा द्वीप हो गया और सॉलसेट द्वीप हो गया। एलिफेंटा पर विचार किया जाए तो मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सॉलसेट द्वीप पर विचार करें तो पश्चिमी तट पर स्थित है, मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब तटीय द्वीपों की स्थिति पर विचार किया जाए तो गंगा के डेल्टा प्रदेश भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट तथा मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप हैं। अब तटीय द्वीपों में पीरम द्वीप हो गया खंभात की खाड़ी में, सारे द्वीप इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। भैसला द्वीप की बात करें तो काठियावाड़ तट पर है। दीव, बैदा, नोरा, पिरतन, करुणभार ये सब कच्छ की खाड़ी पर है, कच्छ तट पर है। कौन कौन से? दीव, बैदा, नोरा, पिरतन, करुणभार ये सब कच्छ तट पर है। खड़िया बेट तथा अलिया बेट की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती,
मुहाने पर हैं, खड़िया बेट तथा हालिया बेट द्वीप। पूचर, करंजा, क्रॉस, इस द्वीपों की बात करें तो मुंबई के निकट है। बूचर, करंजा, क्रॉस द्वीप मुंबई के निकट। भटकल, पिजन कॉक, सेंट मेरी द्वीप की अगर बात कर रहे हैं तो मैंगलोर तट के समीप है। भटकल, पिजन कॉक, सेंट मेरी द्वीप मंगलोर तट के समीप। न्यू मूर एवं गंगा सागर द्वीप की बात करें तो गंगा डेल्टा पर है न्यू मूरे और गंगा सागर द्वीप। एक बार फिर से देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। पिरम द्वीप खंभात की खाड़ी पर, भैसला द्वीप काठियावाड़ तट पर, दीव, बैदा, नोरा, पिरतन, करुणभार कच्छ की खाड़ी पर, खड़िया बेट तथा आलिया बेट नर्मदा ताप्ती मुहाने पर, पूचर, करंजा, क्रॉस मुंबई के निकट, भटकल, पिजन कॉक, सेंट मैरी मंगलोर तट के निकट, न्यू मोर एवं गंगा सागर तो गंगा डेल्टा के रीजन पर, तो विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित भाग की बात किया जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली हो गया, हरियाणा उप क्षेत्र के तहत हो गया, उत्तर प्रदेश के उप क्षेत्र के तहत और राजस्थान उप क्षेत्र के तहत। बात करते हैं हरियाणा, तो हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, जींद, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़ एवं करनाल जिले इसमें शामिल है। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो 3, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, 13 जिले हरियाणा के। आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि 13 जिले हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। साथ में उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले शामिल है। यानी अगर बात किया जाए तो 2, 4, 6, 8 जिले यूपी के एनसीआर रीजन में शामिल है। ये भी ध्यान रखें, राजस्थान के अलवर और भरतपुर दो जिले एनसीआर रीजन में शामिल है। यही कारण इनकी सारे रीजन्स में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, तेजी से विकास की प्रक्रिया हो रही है। यही सारे कारण हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इनको शामिल किया गया है। क्या वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जानकारी मिल सके। साथ में इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो मैं सुधाकर सिंह इस वीडियो से आप सभी से विदा लेता हूँ। नई कक्षा नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। हैव अ गुड डे।